हेलो दोस्तों चलिए तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिवीजन कैपिटल गेन हमने पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट कर दिया है देखिए रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ाया है वो सिर्फ पढ़ाया जाएगा मतलब कि आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करिएगा ठीक है क्या है कि हमारे जो रिवीजन वीडियो में क्या होता है कि कुछ ऐसे जो है पॉइंट होते हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बेहतर तरीके से समझ में आते हैं सो so, ऐसे कुछ पॉइंट भी होते हैं जो हमें आपको अब रिवीजन में बताना होता है ठीक है सो ये आपका एक वीडियो पार्ट ही है उस तरीके से ही देखेगा रिवीजन वीडियो है इस तरीके से देखोगे और इग्नोर करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है चलिए कैपिटल गेन का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं चलिए सबसे पहले हमने देखा कि कैपिटल गेन कैपिटल असेट से आता है मतलब कि कैपिटल असेट आप जो है सेल करते हैं और उसमें से जो आपका प्रॉफिट होता है ठीक है सो बेसिकली उसे प्रॉफिट नहीं गेन कहा जाता है क्योंकि वो कैपिटल असेट से आया ठीक है प्रॉफिट जो है वो पीजीबीपी का पार्ट होता है मतलब कि प्रॉफिट आपका बिजनेस वगैरह में असेट बेचते हैं ठीक है बिजनेस वगैरह में मैं सीधी सीधी बात करूँ स्टॉक इन ट्रेड ठीक है अब तो आप रिवीजन कर रहे हैं आपको पता ही है स्टॉक इन ट्रेड सेल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफ़िट होता है और यहाँ पे कैपिटल असेट बेचने से कैपिटल गेन आता है ठीक है फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैपिटल गेन कैपिटल असेट से आता है तो कैपिटल असेट का मतलब क्या हुआ क्या क्या चीज़ें होती है कैपिटल असेट में तो देखिए सबसे पहले तो हमने कहा कि जितनी भी असेट है वो सारी की सारी कैपिटल असेट है ठीक है आप सेल कर रहे हैं कैपिटल असेट कैपिटल गेन निकलेगा बस एक कंडीशन थी कि अगर वो असेट आप एज अ बिजनेस ठीक है सेल कर रहे हैं तो वो फिर कैपिटल असेट नहीं बनेगा वो आपका बनेगा पीजीबीपी बिजनेस यूनिट ठीक है बिजनेस असेट बनेगा क्यों क्योंकि उसकी सेल और परचेज वो तो आपका काम ही है ठीक है सो आपका अगर काम नहीं है वो चीज़ सेल करना आपने एज अ मतलब कि कोई असेट पड़ी हुई थी बेच दिया आप फॉर एग्जांपल आपका कोई और बिजनेस है और आपने अपनी पड़ी हुई हाउस प्रॉपर्टी ठीक है उसे सेल किया या फिर लैंड सेल किया ठीक है तो वो सारी चीज़ें जो है कैपिटल गेन में आ सकती है ठीक है हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो एक स्पेसिफिक हेड भी है ठीक है तो हमें उस वो चीज़ें देखनी होती है क्लियर है सर हाँ अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है तो हमने कहा जितनी भी कैपिटल जितनी भी असेट आपको दिख रही है वो सारी की सारी कैपिटल असेट है ठीक है इसके बाद हमने कुछ इसे एक्सक्लूड किया इस कैपिटल असेट में से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की सबसे पहली कि जो स्टॉक इन ट्रेड है वो हमने एक्सक्लूड कर दिया कि वो कैपिटल असेट नहीं हो सकता क्योंकि वो आपका बिजनेस का पार्ट है और उसे सेल करने से अगर प्रॉफिट आता है तो वो पीजीबीपी का पार्ट है कैपिटल गेन में नहीं आएगा ठीक है फिर हमने कुछ पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें जो है वो निकाल दी पर्सनल इफेक्ट भी जितनी भी चीज़ें थे फॉर एग्जाम्पल कार हो गया बाइक हो गया ठीक है आपकी कैप हो गई कैप पहनते हैं आपका चश्मा ठीक है so, सो गोगल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ गई पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें ठीक है लेकिन पर्सनल इफेक्ट की सारी चीजें यहां पे एक्सक्लूड है मतलब कि उसे कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा लेकिन कुछ ऐसे असेट को जो पर्सनल इफेक्ट होने के बावजूद भी उसे ऐड किया गया जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे कहा था जसपा ठीक है जसपा कह सकते हैं या फिर आपने जो है याद करने के लिए हमने ट्रिक रखी थी सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं ज्वेलरी ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट की चीज़ है फिर भी कैपिटल असेट ही माना जाएगा उसे सेल करोगे तो कैपिटल गेन निकलेगा आर्कोलॉजिकल कलेक्शन ड्राइंग, पेंटिंग्स कल्चर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट कोई वर्क ऑफ आर्ट जितनी भी तरीके की चीज़ है अगर उसे सेल करते हो तो हालांकि ये पर्सनल इफ़ेक्ट है फिर भी कैपिटल गेन उस पर निकलेगा ठीक है तो यहाँ पे हमने जो है इसे याद करने के लिए कहा था कि आप एक काम कीजिए जसप्पा ठीक है ये इस तरीके की फॉर्म हम यूज़ करते हैं अगर आपको याद रहता है फिर आपको जिस तरीके से याद रखता है अपने तरीके से शॉर्टकट रख सकते हैं ठीक है इसके बाद रूलर एग्रीकल्चर लैंड रूलर एग्रीकल्चर लैंड पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता क्योंकि इस पर जो भी आपका गेन आता है या फिर प्रॉफिट आता है वो एग्जेम्ट होता है ठीक है रूलर एग्रीकल्चर लैंड पे कभी भी आपका टैक्सेबल अमाउंट आता ही नहीं है ठीक है तो इन शॉर्ट अगर ये लैंड सेल कर रहे हो रूलर एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हो तो बेसिकली वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गेन नहीं आता तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है हाँ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हो ठीक है तो अगर उस पर गेन आता है तो वो आपको टैक्सेबल होगा तो फिर हमने देखा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की क्या प्रोविजन है मतलब कि कैसे पहचानेंगे कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ पे तीन पॉइंट आपको दिए रखे सबसे पहले दो किलोमीटर अगर आपकी लैंड जो है जो एरिया जो है ठीक है यहाँ पे कहा है कि शॉर्टेस्ट एरिया डिस्टेंस फ्रॉम दी लोकल लिमिट ऑफ दी म्यूनसिपालिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रिफर मतलब कि यहाँ पे सिंपली म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से यहाँ पे लिमिट आपको दे रखी है कि टू किलोमीटर या फिर उसके अंदर अंदर अगर आपकी पब्लिक मतलब कि सीधे तरीके से पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है देखिए 10,000 भी है तो हम नहीं मानते 10,000 से ज़्यादा है तो हम उसे कह देंगे कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है इसके बाद यहाँ पे अर्बन एरिया है सिंपली इसके बाद दो किलोमीटर से ज़्यादा है और छः किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया है ठीक है तो वहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक लाख से ज़्यादा है तो हम उसे मान लेंगे इसके बाद हमने सिक्स किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन एट किलोमीटर के अंदर अंदर है तो उधर दस लाख तक की जो पॉपुलेशन है तब कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दस लाख से ज़्यादा गई तो सिंपली उसे अर्बन एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा इस पर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे थे ठीक है आपके आईसी मॉड्यूल में भी गिवन है हमने देखा था इसके बाद अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम नाइनटीन इसके बाद मैंने कहा था ये चीज़ें जो है एक बार पढ़ लेने से याद रहती है तो ठीक है फिर गोल्ड स्कीम नाइनटीन सेवेंटी सेवन है नाइनटीन एटी है तो ये सारे गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी वो अगर आपके है तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा ठीक है ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने तब ये रूल निकाला था कि अगर ये बॉन्ड परचेस किए जाते हैं तो इस पर कोई भी किसी भी तरीके का कैपिटल गेन नहीं निकलेगा और इसका कारण भी हमने डिस्कस किया था ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली मेन पॉइंट तो ये था तीन पॉइंट ठीक है तीन पॉइंट ये सा ये तीन पॉइंट ठीक है सो तो याद रहना चाहिए इसके बाद हमने देखा कि इसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरीके से डिसाइड होता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंपली तीन ही तरीके का पार्ट बनता है सबसे पहला ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ और थर्टी सिक्स मंथ ठीक है इसमें बाइफर्केट होता है सारी के सारी असेट ट्वेल्व मंथ में सिर्फ और सिर्फ तीन ही असेट आती है एक लिस्टेड सिक्योरिटी ठीक है और दूसरी चीज़ आती है आपकी यहाँ पे जीरो कूपन बोन ठीक है जीरो कूपन बॉन्ड और तीसरी चीज़ आती है यूनिट ट्रस्ट ठीक है यूनिट ट्रस्ट का फॉर एग्जांपल एक दे दे तो मैं आपका जो ये कौन सा कहा जाता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड ठीक है हाँ म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं कि यूनिट ट्रस्ट ठीक है तो यहाँ पे तीन चीजें थी जो ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर आती है मतलब कि ट्वेल्व मंथ तक इनका टाइम है तो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म और ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो इन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म इसके बाद ट्वेंटी फोर मंथ में जो है दो ही चीजें थी कौन सी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग या फिर दोनों लैंड एंड बिल्डिंग या फिर दोनों और दूसरी चीज यहां पर कौन सी थी जल्दी से बताइए ये क्या हो गया दूसरी चीज क्या थी सर अनलिस्टेड शेयर्स ठीक है दूसरी सी चीज़ क्या थी सर अनलिस्टेड शेयर तो दो चीज़ें थी ठीक है दो चीज़ें थी कौन कौन सी जल्दी से बताइए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग या फिर दूसरी चीज़ अनलिस्टेड शेयर देखिए याद रहे यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर है मतलब कि अनलिस्टेड डिबेंचरस है तो वो थर्टी सिक्स मंथ में जाएगा ठीक है सो यहाँ पे पहले दो ही याद रखने के लिए मैंने बोला था अगर इसके अलावा है तो सारे का सारा थर्टी सिक्स मंथ में चला जाएगा ठीक है तो पहले दो ही याद रखिए ट्वेल्व मंथ में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें हैं और 24 फोर मंथ में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं इस तरीके से याद करने के लिए बोला था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप दे सकते हैं इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 47 ये कहता है कि ट्रांसफ़र जो है किसे नहीं माना जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली पहले तीन चार पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे सबसे पहला कि अगर एच के द्वारा किसी मेंबर को कुछ भी असें ट्रांसफ़र की जा रही है या फिर मेंबर से एच को ट्रांसफर की जा रही है तो यहाँ पे सिंपली कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया तो कैपिटल गेन की बात नहीं आती इसके बाद आप किसी को गिफ्ट दे रहे व्हील दे रहे ठीक है जायदाद इम इबल ट्रस्ट है ठीक है एज अ ट्रस्टी आपको कोई जो है असेट दी जा रही है तो इसे भी हमने ट्रांसफर नहीं माना इसके बाद होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रहा है या फिर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को दे रही तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा लेकिन एक कंडीशन है हंड्रेड परसेंट जो है होल्डिंग होनी चाहिए होल्डिंग कंपनी के पास ठीक है सब्सिडरी कंपनी की हंड्रेड होल्डिंग होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए ठीक है इसके बाद अगर आपका सेल्स जो है वो ट्रांसफर होता है ठीक है शेयर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं अंडर डी मर्जर हो गया या फिर आ, अमल कमीशन हो गया तो यहाँ पे भी आपका जो है किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं माना जाता बेसिकली इस पर हिल है हमने देखा था ठीक है इसके बाद अगर आप जो है आ, कन्वर्जन करते हैं बॉन्ड या फिर डिबेंचर का कन्वर्जन करते हैं मतलब कि इक्विटी शेस दिया प्रेफरेंसेस दिया ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको कहा गया है कि उसे भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं फिर हमने जो है फोर्टी सेक्शन फोर्टी एट देखा सेक्शन फोर्टी एट बेसिकली क्या कहता है कि हमें कैलकुलेशन सिखाता है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों एक ही तरीके से निकलता है बस एक ही डिफरेंस है कैसे देखिए सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन से चीज़ें स्टार्ट होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसीड्रेशन लेना है मतलब कि नॉर्मली असेट जो सेल होता है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन होता है लेकिन कुछ चीज़ों में जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है अलग तरीके से निकलता है हमने देखा भी था तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन लेना है उसमें से एक्सपेंस सारा का सारा माइनस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रोकरेज पे किया फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अदर एक्सपेंस पे किया ठीक है uh, ट्रांसफर के लिए पे एक्सपेंस पे किया सारा का सारा माइनस करते हैं सिवा एक एस टी टी एस आप कभी भी माइनस नहीं करते सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ठीक है एस आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते पे करना पड़ता है लेकिन माइनस नहीं कर सकते ये अलावोएबल नहीं है ठीक है डिडक्शन के लिए इसके बाद आपको नेट कंसिडेशन मिलता है इसमें से आपको जो है कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन और कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन माइनस करना होता है इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ठीक है बस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यही डिफरेंस है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल दे रहे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होता है अगर आप लॉन्ग टर्म निकाल रहे हैं तो इंडेक्सेशन उसका किया जाता है बस यही डिफरेंस है ठीक है इंडेक्सेशन मतलब कि हमने देखा था काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे थे कि आपको सिंपली इंडेक्स नंबर दिया जाता है उसके हिसाब से आपको अमाउंट को चेंज करना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड वन में आपने कुछ चीज़ें पे परचेज करी थी फॉर एग्जाम्पल लैंड परचेस करा था तो वहाँ पे जो अमाउंट तब परचेज करा था फिफ्टी थाउजेंड का ठीक है तो आज की वैल्यू में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तब के फिफ्टी थाउजेंड आज फिफ्टी थाउजेंड थोड़ी ना हो गए ठीक है वैल्यू बढ़ गई होगी तो यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड को हम कन्वर्ट करते हैं किसकी विद द हेल्प हेल्प ऑफ इंडेक्सेशन ठीक है इंडेक्स नंबर के के हिसाब हिसाब से से हम कन्वर्ट करते हैं इसके बाद हमने देखा यहाँ पे सेक्शन ऊपर आ जाइए जल्दी से इसके बाद हमने देखा सेक्शन फोर्टी फाइव ठीक है सेक्शन फोर्टी फाइव में सा, काफी सारे चीजें थी जो यहाँ पे ये कहती है कि बेसिकली हम यहाँ पे कैपिटल गेन कब निकलता है तो यहाँ पे जनरल रूल ये जनरल रूल ये कहता है कि अगर आप असेट सेल कर रहे हो ठीक है असेट सिंपली सेल का मतलब होता है ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है ट्रांसफर कर रहे हो सीधे सीधे कैपिटल गेन निकल जाएगा और टैक्सेबिलिटी आ जाएगी ठीक है सो यहाँ पे जनरल रूल क्या कहता है कि कैपिटल गे कैपिटल असेट कैपिटल असेट जैसे ही ट्रांसफ़र किया तुरंत टैक्स पे कर दो ठीक है जनरल रूल ये कहता है लेकिन कुछ ऐसी प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ने डाल दिए इनकम टैक्स लॉ ने डाल दी है कि उस केस में जो है ट्रांसफर के तुरंत आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में आपको जब अमाउंट रिसीव होता है तब आप जो है टैक्स पे कर सकते हैं बाकी सारे केस में तो आपको तुरंत ट्रांसफर के दौरान ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ट्रांसफर के दौरान तुरंत आपको जो है टैक्स पे नहीं करने की ज़रूरत है आपको सिंपली जब अमाउंट मिले तब पे कर देना ठीक है सो यहाँ पर सबसे पहले आता है सेक्शन फोर्टी फोर्टी फाइव वन ए आपको यहाँ पे सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है याद रहता है तो ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर आपको मनी रिसीव होती है अंडर इंश्योरेंस स्कीम ठीक है अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस ले रखा है किसी चीज़ का मतलब कि कैपिटल असीट का इंश्योरेंस ले रखा है और वो डैमेज हो जाती है डिस्ट्रक्श डिस्ट्रक्शन uh, हो जाता है ठीक है आग लग जाती है वगैरह वगैरह कुछ डैमेज हो जाता है और अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो है पैसा मिलता है तो टैक्सेबिलिटी कब रेज होती है जब आपको पैसा मिला है मनी रिसीव देखिए ट्रांसफर तो तभी माना जाएगा जब आपकी वो असेट डैमेज हो गई ठीक है डैमेज हो गई ट्रांसफर माना जाएगा बेसिकली एज पर रूल डैमेज होता है ट्रांसफर माना गया ट्रांसफर के दौरान ही टैक्स पे करना पड़ता है लेकिन यहां पे आपको रिलीफ दी गई कि जब इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हो तब टैक्स पे करना ठीक है हाँ जी सर सेक्शन फोर्टी फाइव टू कहता है कि अगर आपने कोई ट्रांसफर करा है स्टॉक इन ट्रेड में ठीक है कोई असेट को कोई एसेट मतलब कि कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया स्टॉक इन ट्रेड में मतलब कि कोई एसेट आपकी घर पे पड़ी हुई थी आप बिजनेस में लेके उसे सेल कर रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे सिंपली जो है कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में तो जैसे ही ट्रांसफर कर रहे हैं आपको उसे ट्रांसफर माना गया ठीक है तो एज पर रूल यहाँ पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है लेकिन प्रोविजन डाल दी गई कि कोई जरूरत नहीं अभी के अभी टैक्स पे करने की कहा गया कि जब आप वो स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर देते ठीक है स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर देते हैं तब आपका कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है कैपिटल गेन तो तुरंत निकाला जाता है कब जैसे कि आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर किया स्टॉक इन ट्रेड में तो यहाँ पर ट्रांसफर माना गया ठीक है जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया इसे ट्रांसफर मान लिया गया कैपिटल गेन निकाला जाएगा लेकिन ये अभी टैक्सेबल नहीं होगा टैक्सेबल कब होगा जब ये स्टॉक इन ट्रेड सेल हो जाएगा सेल हो जाएगा सेल हो गया चलो इस पे टैक्स पे कर दो इस तरीके से ठीक है हाँ जी सर इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर बाई कम्पलसर कंपलसरी एक्वाशेशन मतलब कि गवर्नमेंट अगर आपकी प्रॉपर्टी कम्पल्सरी एक्वायर कर लेती है तब आपको गवर्नमेंट जब फर्स्ट अमाउंट आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करवाती है तब तुरंत पूरा आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा हालांकि कंपलसरी एक्वाशन जब गवर्नमेंट कर लेती है तो ट्रांसफर तो तभी मान लिया जाता है जब आपका हाउस है लैंड है आपने कंपलसरी एक्वाशन कर लिया है गवर्नमेंट ने लेकिन उसका पेमेंट जो है गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद देती है ठीक है तुरंत पेमेंट नहीं दे देती नॉर्मली आपका अमाउंट आपका जो प्रॉपर्टी असेट है वो तुरंत एक्वायर हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन अमाउंट आपको मिलने में थोड़ी सी देर लगती है तो जब आपको अमाउंट रिसीव होगा तब आपको पेमेंट करनी है लेकिन याद रहे अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे रही है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के जैसे ही मिलते आपको पूरा पूरा अमाउंट का पूरे का पूरा अमाउंट का जो है टैक्स पे करना पड़ेगा ये आपकी न्यू पॉइंट uh, है ठीक है आपके लिए न्यू पॉइंट है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट में अगर गवर्नमेंट अमाउंट आपको दे रही है ठीक है सो पहला इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होता है तो पूरे का पूरा अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ेगा प्लस यहाँ पे एक एनहेंस कंपनसेशन का पॉइंट है मतलब कि गवर्नमेंट अगर आपको कुछ अमाउंट दे रही है ठीक है यहाँ पे वो आपको कम लग रहा है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं आप लो के पास जा सकते हैं और एज पर लो अगर माना जाता है कि हाँ जी आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए एक्स्ट्रा तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कंपनसेशन मतलब कि एनहेंस कंपनसेशन गवर्नमेंट से रिसीव होगा एनहेंस कंपनसेशन तभी आपका जो है टैक्सेबल होता है जब आपको पूरे का पूरा अमाउंट रिसीव हो जाए ठीक है यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसा कुछ नहीं है पूरा अमाउंट जब रिसीव होगा तभी वो टैक्सेबल होगा ठीक है यहाँ पे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे रिसीव होता है आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ता है जबकि एनहेंस में क्या होता है पूरा अमाउंट रिसीव हो जाए तब टैक्स पे करना है ठीक है याद रहे कंपनसेशन जब रिसीव होता है तो वो आपका जो है उसमें आपको सी ओ ए कॉस्ट ऑफ एक्वासेशन सी ओ आई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ मिलता है लेकिन एनहेंस कंपनसेशन में कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन वगैरह नहीं मिलता ठीक है कॉस्ट ऑफ एक्वासेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील रहता है क्यों सर क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्वासेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आप कंपनसेशन में से माइनस कर चुके हैं तो एनहेंस कंपनसेशन में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता ठीक है ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो फिर दूसरी बार बेनिफिट नहीं मिलता इसके बाद फोर्टी फाइव फाइव ए कहता है कि अगर आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बींग लैंड बिल्डिंग और बोथ ठीक है बाई इंडिविजुअल और एच यू एफ एच यू एफ या फिर इंडिविजुअल जो है इसे ट्रांसफर कर रहा है ठीक है और यहाँ पे कहा गया है कि कोई ज्वाइंट एग्रीमेंट के दौरान ठीक है कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है फॉर एग्जांपल कोई एच है या फिर इंडिविजुअल है ठीक है वो अपनी लैंड दे रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे पैसा रोकेगा ठीक है रुपीस और उसके हिसाब से लैंड पे जो है एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और बिल्डिंग में से दस फ्लैट इस इंडिविजुअल को दे दिए जाएंगे बाकी के फ्लैट ये बेच के ये अमाउंट कमा लेगा ठीक तो है तो ऐसा जॉइंट एग्रीमेंट है तो यहाँ पे कहा गया कि ट्रांसफ़र तो तभी माना जाता है जब आपने लैंड इस इंडिविजुअल को दी जो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा ट्रांसफ़र तो तभी मान लिया गया ठीक है लेकिन यहाँ पे कहा गया कि टैक्सेबिलिटी कब आराइज होगी टैक्सेबिलिटी का अराइज होगी हो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा मतलब कि बिल्डिंग बन जाएगी फिर आपको जो है उसका सर्टिफिकेट ऑथोरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है आपका जो है वो ट्रांसफर जो आपने लैंड दिया था उस पर जितना अमाउंट बन रहा था ठीक है वो आपको जो है टैक्सेबल हो जाएगा क्लियर है तो यहाँ पर इतने पॉइंट थे जिसमें आपको तुरंत ट्रांसफर के दौरान टैक्स पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है बाकी सारे में ट्रांसफ़र के साथ ही आपको जो है कैपिटल गेन निकलता है और आपको उस पर टैक्सीबिलिटी अराइज हो जाती है बस तो वो चार पांच चीज़ें याद रखिए उसके अलावा सारी चीज़ें पे जो है तुरंत टैक्स लग जाता है इसके बाद सेक्शन 50 यहाँ पे देखिए सेक्शन 50 ये कहता है कि डेप्रिसिबल असेट पे कभी भी आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता ही नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है क्यों क्योंकि डेप्रिसिबल असेट पर आप हर साल डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं मतलब कि वो तो एकदम न्यू प्राइस पे ही न्यू अमाउंट पे ही रिकॉर्ड हो रहा है हर साल न्यू अमाउंट पे ही रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि उस पर हर साल डेप्रिशिएशन आप लेके उसका अमाउंट माइनस कर रहे हैं ठीक है बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था अभी चलिए वो चला गया है मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें लिखवाई थी अगर आपको याद हो कि उस पर कभी भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता एक तो सबसे पहले मैंने कहा था कि डेप्रिसिबल असेट है ठीक है तो ये डेप्रिसिएशन असेट एज पर सेक्शन 50 ठीक है सेक्शन 50 के हिसाब से कभी भी आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि एज इट इज यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलता है लॉन्ग टर्म तो निकलता ही नहीं है अगर लॉन्ग टर्म निकलता ही नहीं है तो काम ही खत्म है इसके बाद मैंने कहा था स्लम सेल ठीक है स्लम सेल सेक्शन फिफ्टी बी ठीक है इस पर भी कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया ही नहीं जाता ठीक है और प्लस एक सौ बारह ए की लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो इस पर भी आपको जो है किसी भी तरीके का कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाता हालांकि आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है अपने वो रूल के हिसाब से 12 मंथ 24 मंथ और 36 मंथ के हिसाब से निकाल सकते लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको दिया ही नहीं गया है ठीक है सो कभी भी याद रखिए इन तीन चीज़ों पे और भी चीज़ें हैं लेकिन वो बाद में आप जो है जैसे जैसे चैप्टर कम्प्लीट करेंगे आपको जो है बता दें वो ठीक है थीके? तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं वो तो ख़ास याद रखिए कि इन कभी भी आपको जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाता अब आ जाइए सेक्शन 50 हमने कंप्लीट किया इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 50 बी पे आ जाइए स्लम सेल मैंने कहा था कि स्लम सेल का मतलब होता है कि एक साथ एक यूनिट बना लिया जाता है यूनिट का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट जिसमें काफ़ी सारी असेट पड़ी हुई है मशीनरी वगैरह कैपिटल असेट उसे एक प्राइस पे वन प्राइस ओनली वन प्राइस ठीक है एक प्राइस पे बेच दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्लम सेल स्लम सेल का कैलकुलेशन कैसे होता है तो स्लम सेल का हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है सेक्शन फोर्टी एट वही आता है फुल वैल्यू ऑफ़ कंसिड्रेशन लेना है उसमें से आपको जो है क्या माइनस करना है सर एक्सपेंस कोई किया है तो वो माइनस कर सकते हैं फिर कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर सकते हैं इसी से आपको जो है कैपिटल गेन मिल जाएगा यहाँ पे याद रखिए फुल वैल्यू ऑफ जो है वो सेल वैल्यू नहीं ली जाती यहाँ पर हमेशा ली जाती है फेयर मार्केट वैल्यू ठीक है स्लम सेल में आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वही लेनी है फॉर एग्जाम्पल आपने स्लम सेल जो है पच्चीस लाख में सेल किया है ठीक है पच्चीस लाख में सेल किया है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू जो है तीस लाख है थर्टी लाख तो थर्टी लाख लिया जाएगा सेल आपने किया कि कितने में वो कोई मायने नहीं रखता क्लियर है आपको ये चीज़ ओके okay. इसके बाद एक्सपेंस कोई किया है तो माइनस करेंगे याद रहे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वासेशन आएगा इंडेक्स बेनिफिट आपको स्लम सेल में नहीं मिलता है ठीक है और इसी तरीके से कैपिटल गेन आप निकाल सकते हैं ओके okay. इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल करवाते वक्त कहा था इलोस्टेशन करवाते वक्त कहा था कि अगर आप किसी भी असेट का अपवर्ड वैल्यूएशन करते हैं अपवर्ड वैल्यूएशन करते हैं ठीक है ठीके? तो वो अलोएबल नहीं है आपको जो है डाउनग्रेड करके आपको जो है उसकी वैल्यू निकालनी होगी ठीक है हमने देखा था कि बिल्डिंग का जो है थ्री लाख रुपीज से अपवर्ड वैल्यूएशन किया था तो हमने उसे कंसिडर नहीं किया था इलोस्ट्रेशन है आपके आई मॉड्यूल में हमने देखा था इसके बाद फिफ्टी सी फिफ्टी सी ये कहता है कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों सेल करते हैं ठीक है लैंड और बिल्डिंग या फिर ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ पे अटैच है लैंड ठीक है तो तीनों चीज़ें अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो है फुल वैल्यू ऑफ़ कंसिडेशन क्या लिया जाएगा तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि फुल वैल्यू ऑफ़ कंसिडरेशन जो है वो एक्चुअल कंसिडेशन ही लिया जाता है जितने में सेल किया लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अस एस जो है एक्चुअल कंसिडेशन को कम दिखाने की कोशिश करता है ताकि टैक्स कम पे करना पड़े तो यहाँ पे फिफ्टी सी का सेक्शन डाल दिया गया कहता है कि अगर एक्चुअल कंसीडेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही लेंगे तो अस एस सी यहाँ पर रोने लगा तो हमने जो है क्या किया इनकम टैक्स लोन लो ने एक रिलीफ दे दिया कि कहा कि अगर एक्चुअल कंसीडेशन जो है एक्चुअल कंसीडेशन जो है यहाँ पे देखिए एक्चुअल कंसीडेशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है ठीक है मतलब कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो कायदे से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे लेकिन एक रिलीफ दी गई कि अगर एक्चुअल कंसीडेशन का वन कर दो और वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है ठीक है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप नहीं लेंगे एक्चुअल कंसीडेशन लेंगे फॉर एक्जाम्पल आपका जो है यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है ठीक है और एक्चुअल में आपने जो एक्चुअल में आपने उसे सेल करा है फोर्टी एट लैख रुपीज में ठीक है सो यहां पे कैलकुलेटर अगर मैं ले लू कैलकुलेटर कहाँ चला गया एक मिनट जरा कैलकुलेटर तो 48 एट लेख है 40 लेख 48 एट लेख मतलब कि एक्चुअल कंसीडेशन कम है सर बिल्कुल कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लेख है कम है तो आपको यहाँ पे एक रिल दी गई कि 48 एट लेख का 110 परसेंट कर दो अगर वो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो आपको सिंपली उसे ही लेना है एक्चुअल कंसीडेशन को एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन बताइए यहाँ पे एक्चुअल कंसीडेशन का 48 एट इन वन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 52.8 टू पॉइंट एट इससे ज़्यादा आ रहा है सर हाँ तो एक्चुअल कंसिडेशन को अलो कर दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन है फोर्टी एट ले ठीक है अगर वो कम आता तो आपको जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडर करना पड़ता फिर यहाँ पे कहा गया कि कई बार क्या होता है कि एक्चुअल कंसिडेशन बहुत ज़्यादा कम होता है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेने के लिए बोल दिया जाता है तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया कि वैल्यूएशन ऑफिसर को आप अपॉइंट कर सकते हैं मतलब कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए और आपको जो है लो uh, वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करके देता है अगर वो वैल्यू निकाल रहा है तो यहाँ पे भी आपको कहा गया कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 110 परसेंट करेंगे अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी लेनी पड़ेगी वन करने से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम आ रही है तो एक्चुअल कंसिडेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ओबियसली ज़्यादा होगी तभी आपने जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं कहूँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है एस वो आपकी ज़्यादा होगी एक्चुअल कंसिडेशन से तभी तो आपने जो है कोर्ट को कहा है कि सर जी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिए जो अपॉइंट कर दीजिए ऑफिसर को जी तो ऑफ़िसर ने अपॉइंट किया ऑफ़िसर ने जो वैल्यू निकाली ए ओ ने आ, आपका जो है ये आपका ए ओ ने जो है आपका असेसमेंट ऑफिसर जो यहाँ पे वैल्यूएशन uh, ऑफिसर है उसने अगर वैल्यू निकाली ठीक है वी ओ ही रखिए वो बेहतर रहेगा वी ओ वैल्यूएशन ऑफिसर ठीक है आपको तो फुल फॉर्म लिखना है शॉर्ट फॉर्म अलेबल नहीं अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो है जो प्राइस अमाउंट निकाली वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है लेकिन एक्चुअल कंसीडरेशन से ज़्यादा है तो उसे ही कंसीडर कर लिया जाएगा ठीक है बीच की अमाउंट है कंसीडर कर लिया जाएगा लेकिन अगर अमाउंट जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ज़्यादा निकली तो फिर हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही अलो करेंगे और अमाउंट जो है वो स्टैंप ड्यूटी एक्चुअल से भी कम निकली मतलब कि जितने में सेल किया उससे भी कम जो है असेसिंग ऑफिसर ने डिसाइड की तो यहाँ पे एक्चुअल कंसिडेशन को जो है हम कंसिडर करेंगे मैं यहाँ पे आपको जो है रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो है इसे पॉइंट को अच्छे से क्लियर नहीं है तो हमारा जो है रेगुलर जो हमने वीडियो बनाया है इसके ऊपर का पार्ट है वीडियो पार्ट सिंपली प्ले लिस्ट के लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन uh, की प्ले लिंक में जाइए वहाँ पे इसे अच्छे से देख सकते हैं आप ठीक है वहां पे एग्जाम्पल लेके हमने क्लियर करवाया था इसके बाद सेक्शन फिफ्टी सी ए कहता है कि अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स है ठीक है तो वहां पे क्या होता है कि अनलिस्टेड शेयर्स में तो उसकी मार्केट प्राइस तो होगी नहीं मतलब कि मार्केट में वो तो चल नहीं रहा है ट्रेडिंग तो है नहीं ट्रेडिंग किसकी होती है सर लिस्टेड शेयर्स की तो यहाँ पे किस तरीके से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन निकाला जाएगा तो यहाँ पे कहा गया कि फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी ठीक है फेयर मार्केट वैल्यू या फिर आपने जितने में बेचा है एक्चुअल कंसिडेशन दोनों में से जो हायर होगा उसे ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन लेंगे ठीक है ऐसा यहाँ पे कहा गया इसके बाद सेक्शन फिफ्टी डी ये कहता है फेयर मार्केट वैल्यू डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन इन सर्टेन केस यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि अगर कोई ऐसी असेट है ठीक है जिसकी आप जो है वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर पा रहे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट दे के दूसरी कोई असेट ले ली तो एग्जैक्टली exactly आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि असेट के बदले में आपको ने कितना अमाउंट की जो है असेट आपको मिली गई मतलब कि उसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है लेकिन उसने हमें कितने में दिया वो कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे कहा गया कि असेट जो आपको मिल रही है उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है ली जाएगी उसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन मान लिया जाएगा ठीक है जो असेट आपको रिटर्न में मिल रही उसकी फुल मार्केट वैल्यू ले लिया जाए उसे ही हम कहेंगे क्या सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडेशन इसके बाद सेक्शन फिफ्टी एडवांस मनी के हिसाब से कह रहा है एडवांस मनी के हिसाब से बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है आपको कहना है यहाँ पे देखना है कि एक चार दो हज़ार चौदह ठीक है एक चार टू थाउजेंड फोर्टीन से पहले अगर एडवांस मनी आपने जो है फोरफिट करी है, ठीक है तो वो सिंपली आपका जो है कहाँ जाएगा सी ओ ए कॉस्ट ऑफ एक्वासीेशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वासेशन में से लेस कर देना है ठीक है लेस कर देना है लेकिन उसके बाद अगर कोई एडवांस मनी आपने फॉरफिट करी है तो उसे सिंपली आपको जो है अदर सोर्स जो आपका हेड है अदर सोर्स ठीक है अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होगा यहाँ पे कहीं पे भी इसकी जो है कोई एंट्री नहीं बनेगी क्लियर है ये चीज़ सर हाँ एडवांस मनी के रिलेटेड यही चीज थी इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जो है ये तीनों चीज़ें तीनों सेक्शन वन 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 ए वन वन टू और वन वन टू ए बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बाद सेक्शन फिफ्टी फाइव सेक्शन फिफ्टी फाइव कहता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वासीन कैस कितना लिया जाएगा तो अगर सेल्फ मेड गुडविल है ठीक है आपने सेल्फ जनरेट किया है, तो उसका कोई भी यहाँ पे एकवासेशन नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि कोई भी आपने खुद से गुडविल के लिए खर्चा नहीं किया जाता ठीक है गुडविल के लिए कोई खर्चा नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू नील ली नी जाती है इसके बाद अगर आपने कोई परचेज करा है गुडविल परचेज करिए ठीक है मार्केट से मतलब कि कोई शॉप परचेज करी और प्लस गुडविल के लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया तो जो अमाउंट गुडविल के लिए पे किया गया उसका परचेज प्राइस जो है एज अ कॉस्ट ऑफ़ एक्वाजेशन अलो कर दिया जाएगा ठीक है हाँ परचेज कर रहे हो तो परचेज़ प्राइस लेकिन अगर आप जो है खुद सेल्फ मेड गुडविल है तो उस उसपे लिए कोई कॉस्ट ऑफ़ एक्वाजेशन आपको नहीं मिलेगा माइनस करने को इसके बाद बोनस शेयर है तो बोनस शेयर्स के लिए तो देखिए वो फ्री में मिलता है तो उसके लिए वैल्यू तो नील ही ली जाती है लेकिन टू थाउजेंड वन के बाद टू थाउजेंड वन के बाद अगर अमाउंट आ रही है तो उसे वैल्यू नील ली जाती है लेकिन अगर टू थाउजेंड वन के पहले की बात करें एक चार दो हजार एक के पहले की बात करें तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता था कि फेयर मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन ठीक है इसके बाद जैसे ही यहाँ पे कहा गया गवर्नमेंट ने कहा कि वैल्यू नील ली जाएगी तो हाहाकार हो गया ठीक है मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट को कहा गया तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तो देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके पास बोनस शेयर है उस पर पे एस पेड है तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ दे रही है लेकिन रिलीफ दे रहे हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आ, आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट फेब 2018 तक मतलब कि उसके बाद तो यहाँ पे वैल्यू नील ही होगी उससे पहले पहले अगर आपको बोनस शेयर अलॉट किया गया है तो कॉस्ट ऑफ़ एक्वासेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा हायर सर यहाँ पे आपको जो है ये ना देखें मैं आपको सिंपली सीट बताता हूँ कि अगर आपने जो है यहाँ पे एक वैब 2018 से पहले बोनस से अगर आपको अलर्ट हुआ है तो सिंपली उस पर कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन आप क्लेम कर सकते हैं कितना एक्चुअल में आपका जो है उसका कंसिड्रेशन अगर आपने पे किया है ठीक है एक्चुअल कंसीडेशन या फिर एक्चुअल कॉस्ट ठीक है जो बेसिकली तो नॉर्मली नील ही होता है क्योंकि 2001 के बाद आपका जो है बोनस सेट फ्री में मिलने लगे पहले कुछ हुआ करता होगा हमें नहीं देखना लेकिन 2001 के बाद बोनस से मतलब हो गया फ्री शेयर्स ठीक है so, सो जनरली ये नील ही रहता है ठीक है उसे कंपेयर करना है फेयर मार्केट वैल्यू से उसे कंपेयर करना है फेयर मार्केट वैल्यू से दोनों में से जो भी हायर है ठीक है दोनों में से जो हायर है वही कंसिडर किया जाएगा लेकिन ये आपका जो है लिमिटेड रहेगा कितनी अमाउंट तक लिमिटेड रहेगा एक्चुअल कंसिडेशन तक ठीक है एक्चुअल कंसीडेशन मतलब कि बोनस से अगर आपने सेल किया ठीक है तो मान लीजिए फिफ्टी लाख रुपीज़ में सेल किया तो फिफ्टी लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गया एक्चुअल कंसीडेशन नील मतलब कि फ्री में ही मिला था आपको ठीक है टू थाउजेंड वन के बाद आपको मिला था तो एक्चुअल कंसीडेशन नील है। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो सिक्सटी लाख रुपीज़ है ठीक है तो देखिए यहाँ पे दोनों में से हाई लेना है सर नील या फिर सिक्सटी लेख कौन सा ज़्यादा है सर सिक्सटी लेख ज़्यादा है तो सिक्सटी लेख रुपीज़ हो गया लेकिन मैंने कहा वो लिमिटेड होता है एक्चुअल कंसीडेशन एक्चुअल कंसिडेशन से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वासन कितना है सर फिफ्टी लैख रुपीज़ क्लियर है हाँ जी सर तो यहाँ पे बोनस से इसका पॉइंट था बिल्कुल राइट शेयर पर राइट शेयर में भी इसी तरीके से यहाँ पे राइट शेयर आपको जो है अगर प्रोवाइड किया जाए एक्चुअल जो आपने अमाउंट पे करी राइट right शेयर के लिए मान लीजिए आपने राइट शेयर परचेज़ किया तो क्या होगा अगर आपने राइट शेयर परचेज किया फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था कि आप जो है एक काम करिए कंपनी के शेयर होल्डर है आपने कंपनी ने आपको जो है वन सिक्सटी में शेयर प्रोवाइड किया जिसके मार्केट में अभी वैल्यू टू हंड्रेड चल रही है ठीक है अब आपको ये शेयर परचेज नहीं करना था आपने अपने फ्रेंड को ठीक है अपने फ्रेंड को जो है ये सेल कर दिया राइट right. ठीक है ये राइट सेल कर दिया कितने में सेल करा तो उसने आपको जो है टेन रुपीज़ में सेल कर दिया मतलब कि ये फ्रेंड क्या करेगा कंपनी को वन सिक्सटी रुपीज़ पे करेगा क्योंकि कंपनी ने तो वन सिक्सटी में इशू किया है और दस रुपये आपको सेल आपको पे करेगा इन शॉर्ट ये फ्रेंड ने टोटल वन सेवेंटी रुपीज़ पे करी है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है टू हंड्रेड ठीक है सो यहाँ पे अगर फ्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन कितनी है सर वन सेवेंटी रुपीज़ और आपकी देखा जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन कितनी है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन नील है क्योंकि आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा ऊपर से दस रुपये का प्रॉफिट हुआ है सो so, आपके हिसाब से देखा जाए अगर आप रेनाउंस कर रहे तो नील है लेकिन अगर वो फ्रेंड के हिसाब से देखा जाए मान लीजिए वो फ्रेंड आप हो ठीक है आप परचेज कर रहे हो तो आपके हिसाब से वो अमाउंट कितनी होगी सर वो अमाउंट होगी आपने जो कंपनी को पे किया है प्लस आपने जो एज अ वो अपने शेयर होल्डर जो है उसको राइट right के लिए प्रीमियम के लिए पे किया वो अमाउंट ठीक है वो दोनों का टोटल लेना है हमने एग्जांपल लिया वन सेवेंटी रुपीज़ ठीक है इसके बाद फोर्थ पॉइंट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है फॉर एग्जांपल शेयर्स है या फिर यूनिट आपका फंड uh, है ठीक है तो यूनिट ओरिएंटेड फंड है या फिर इक्विटी शेयर्स है तो उसके केस में जो है कॉस्ट ऑफ एक्वासन कैसे निकलती है तो वही मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर कोई भी आपकी इक्विटी शेयर्स है या फिर आप यूनिट ट्रस्ट है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वाशेशन निकलेगी कि आपको सिंपली कॉस्ट ऑफ़ एक्वासीशन लेनी है मतलब कि आपने जब परचेस किया था शेयर्स को उस टाइम पे कितने में परचेस किया था फॉर एग्जांपल फिफ्टी लाख रुपीस में परचेस किया था ठीक है ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया फिफ्टी लाख रुपीस में परचेस किया था उसकी आज आज का मतलब है देखिए याद रखिएगा थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड एटीन को जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है ठीक है आज का मतलब करेंट नहीं आज का मतलब है यहाँ पे थर्टी फर्स्ट जैन 2018 क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पे वैल्यू काफी सारे बदलाव आ चुके ठीक है तो वैल्यू यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे ये चीज की थर्टी फर्स्ट जैन क्वेश्चन में ही गिवन होगा ठीक है क्वेश्चन में ही गिवन होगा ये फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है सेवेंटी लाख रुपीज ठीक है तो इन दोनों में से हायर लेना है फिफ्टी लैख और सेवेंटी लैख कौन सा हायर है इससे सेवनटी लैख ठीक है सेवेंटी लैख हायर है आपको वो अमाउंट रिस वो अमाउंट लिमिटेड रहेगा कितने अमाउंट तक फुल वैल्यू ऑफ कंसीडेशन मान लीजिए आपने जो है से सेल करा सिक्सटी लाख रुपीज़ में ठीक है सिक्सटी लाख रुपीज़ में सेल करा ठीक है तो ये आपका कंसिडेशन है और यहाँ पे आपका जो हायर अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्वाजेशन के हिसाब से ये सेवनटी लाख रुपीज़ मिल रहा लेकिन ये लिमिटेड रहेगा कितने अमाउंट तक कॉस्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडेशन तक मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्वाजेशन मैक्सिमम सिक्सटी लाख रुपीज़ आप कैलकुलेट करेंगे ठीक है अच्छा चलिए तो ये आपको क्लियर हुआ इसके बाद एनी अदर कोई कैपिटल असेट है किसी भी तरीके की कैपिटल असेट तो यहाँ पे सिंपली आपको कहा गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी है एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2001 फर्स्ट अप्रैल 2001 इसलिए क्योंकि वन से पहले जितनी भी असेट थी ठीक है उसके लिए हमारे पास कोई इंडेक्सेशन नहीं है अगर इंडेक्सेशन नहीं है तो हम उसके लिए कहते हैं कि अगर पहले परचेस करिए आपने तो उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना ठीक है उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना और उसके बाद अगर आपने परचेस करिए तो उसके लिए हमारे पास इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ है ठीक है सो वहाँ पर तो आप कॉस्ट लेंगे और उसका इंडेक्सेशन कर सकते हैं अच्छा इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 55 55 बात करता है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो आपने सेक्शन ये आपने देखा सेक्शन फिफ्टी ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन से बात करता है और सेक्शन फिफ्टी फाइव कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से भी बात करता है ठीक है तो ये फिफ्टी फाइव कौन सी चीज़ है फिफ्टी फाइव बात करता है एक्वाशेशन और इम्प्रूवमेंट ये दोनों में कौन सी अमाउंट ली जाए उसके बारे में गुडविल के लिए तो कोई एक्वासीेशन नहीं, नहीं है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ठीक है गुडविल के लिए सब कुछ नील है हाँ परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्वासीशन मिलता है लेकिन इम्प्रूवमेंट में कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे कहा गया कैपिटल असेट अगर आपने परचेस करिए टू थाउजेंड वन से पहले तो जहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेशन नहीं होता ठीक है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का क्या अमाउंट अलो किया जाएगा सर बिल्कुल किया जाएगा यहाँ पे कहा गया कि टू थाउजेंड वन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ठीक है और यहाँ पे टू थाउजेंड वन को जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो आपने किया है ठीक है उसका ही आपको इंडेक्सेशन कर देना है काम ख़त्म ठीक है इसके बाद अदर कोई कैपिटल असेट है तो सिंपली वहाँ पे भी वही चीज़ 2001 तक आप ले आइए और 2001 के बाद इंडेक्सेशन आपके पास अवेलेबल है ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे इसके बाद सेक्शन टेन कहता है कि आपके पास अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के हिसाब से लैंड है ठीक है और अगर आप इंडिविजुअल और एच है ठीक है और आप उसे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके की लैंड हो सकती है या तो अर्बन हो सकती है या तो रूलर हो सकती है ठीक है रूलर सेल करोगे तो उस पर तो कोई कैपिटल गेन आता ही नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्ट है लेकिन अर्बन सेल करते हो तो कैपिटल गेन आता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एग्जेप्ट कर दी गई कि अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पिछले दो सालों से ठीक है मिनिमम टू ईयर से जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से यूज़ हो रही थी अगर उसे सेल किया जा रहा है तो सिंपली हम जो है उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे ठीक है एग्जेप्ट कर देंगे और यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि सीनियर सिटीज़न अगर आपका जो है रिवर्स मॉडगेज लोन के अंदर आपका जो है इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे कोई लमसम अमाउंट मिल रहा है तो वो भी एग्जेप्ट है इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेक्शन 54 था एग्जम्पन यहाँ पे आपको दी जाती है तरह तरह की डिडक्शन सेक्शन फिफ्टी फोर कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल एच यू एफ और रेसिडेंशियल हाउस सेल कर रहे हैं और उसके बाद उसको जो अमाउंट अमाउंट रिसीव हुआ सेल से उसे हम कैपिटल गेन मानते हैं लेकिन अगर उसे एग्जम्प्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि उसके बदले दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेज़ कर लीजिए तो आपको जो है यहाँ पे एग्जम्पन मिल जाएगी दूसरा परचेज़ करने की जो है यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है कि सेल से पहले एक साल में या फिर सेल के बाद दो साल में जो है उसे परचेज़ कर लीजिए या फिर खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो तीन साल में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपने जब सेल किया ट्रां, ट्रांसफ़र किया उसके बाद जो है तीन सालों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया कि आप जो है इसके बदले दो हाउस भी परचेस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिमिट है दो हाउस परचेस कर सकते हैं लेकिन लिमिट है अगर कैपिटल गेन जो आपने वो सेल किया हाउस उसका कैपिटल गेन टू करोड़ से कम है ठीक है टू करोड़ से कम है टू करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है टू करोड़ या फिर उससे कम है तो आप दो घर परचेस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दो घर तभी परचेस कर सकते हैं बाकी एक ही घर आपको अलो कर दिया जाता है इसके बाद सेक्शन फिफ्टी बी कहता है आप इंडिविजुअल है एच है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं और उसके बदले दो साल के अंदर अंदर आप जो है दूसरी अर्बन या फिर रूरल कोई भी लैंड परचेस कर लेते हैं तो सिंपली वो अमाउंट एग्जाम कर दिया जाएगा इसके बाद फिफ्टी फोर डी ये कहता है कि अगर आप कोई भी एस है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिविजुअल नहीं है आप एच नहीं है कोई और है ठीक है कोई भी एस एस है अगर आपने लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों में से कोई भी है ठीक है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो रही थी मतलब कि लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए थी अगर आपने उसे सेल किया है उसके बदले दो साल के अंदर अंदर दो साल के अंदर अंदर अगर आप उसके बदले दूसरी दूसरी यहाँ पे कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो परचेस कर लेते हैं ठीक है दूसरी लैंड और बिल्डिंग परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक्जम्पन दे दी जाएगी जितने की भी आपने ये परचेज़ करी है उतनी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी क्लियर है लेकिन याद रहे अगर आप जो है लैंड एंड बिल्डिंग है तो दो साल के अंदर अंदर परचेज करना होगा और आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं लैंड तो कंस्ट्रक्ट नहीं होती ठीक है बिल्डिंग के केस में अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं न्यू तो उसके लिए थ्री ईयर दिए गए ठीक है तीन साल में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप इसके बाद सेक्शन 54 ईसी ई ये कहता है कि अगर आप कोई भी असर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आपके पास लैंड और बिल्डिंग बहुत है ठीक है यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग था लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए था लेकिन अगर आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं है आपने ऐसे ही लैंड और बिल्डिंग सेल किया जो ऐसे ही पड़ी हुई थी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं थी तो आपके लिए फिफ्टी फोर ई कह रहा है कि उसके बदले आप जो है अमाउंट एग्जेम्ट करवा सकते हैं उसके बदले एक काम कीजिए गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब बॉन्ड ले लीजिए प्रिस्क्राइब बॉन्ड है एन एच ए आई ठीक है उसके आर ई सी एल और उसके बाद भी काफ़ी सारे हैं लेकिन ये दो ही क्वेश्चन में मोस्टली आते हैं क्योंकि आपके मेनली यही दो आपके मॉड्यूल में डिस्क्राइब है बाकी अंदर देखोगे आपके जो है यहाँ पे पॉइंट में काफ़ी सारे नाम दी गिवन होगे ठीक है मेनली क्वेश्चन में यही आते हैं सो so यहाँ पे रिलैक्स हो रही है थोड़ा तो स्पेसिफाइड अगर बॉन्ड परचेज़ कर लेते हो तो एग्जाम्ट हो जाएगा लेकिन एग्जेम्ट बॉन्ड का अमाउंट जो है वो फिफ्टी लैख रुपीज़ तक एग्जैम्ट होगा मतलब कि अगर आप मान लीजिए बॉन्ड जो है वो हंड्रेड लाख रुपीज़ के परचेज़ कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि हंड्रेड लाख रुपीज़ अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा नहीं फिफ्टी लाख रुपीज़ तक ही यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है उतने तक ही आप एग्जम्प्ट करवा सकते हो और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जब भी आप सेल करते हो और एग्जम्प्ट करवाना चाहते हो अपनी आप, जो अमाउंट है तो सिक्स मंथ के अंदर अंदर ये बॉन्ड आपको परचेज़ करने पड़ेंगे जैसे ही आपने ट्रांसफर किया मतलब कि सेल किया तो तुरंत आपको सिक्स मंथ के अंदर अंदर ये बॉन्ड परचेज़ करने होंगे और मैक्सिमम फिफ्टी लाख रुपीज़ तक की आपको जो है यहाँ पे एग्जम्पन लिमिट मिलेगी फिफ्टी फोर एफ कहता है कि इंडिविजुअल और एच यू एफ़ है और लैंड लॉन्ग टर्म जो कैपिटल असेट है वो रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी चीज़ है ठीक है रेसिडेंशियल हाउस के लिए देखिए फिफ्टी फोर एफ फिफ्टी फोर है ठीक है फिफ्टी फोर एफ़ उसके अलावा है तो है यहाँ पे इंडिविजुअल और एच यू एफ़ के लिए यहाँ पे दो आमने सामने है ठीक है तो इंडिविजुअल एचु ऑफ रेसिडेंशियल हाउस है यहाँ पे याद रखना एक चीज़ याद रखना लॉन्ग टर्म होना चाहिए शॉर्ट टर्म है तो ये आपको अलावेबल ही नहीं ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस है सेल करते हो तो 54 आपको एग्जेम्पन दिलवाएगा लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई चीज़ है तो आपको जो है फिफ्टी एफ एग्जेपन दिलवाएगा एग्जम्पन किस तरीके से दिलवाएगा यहाँ पर कह रहा है कि अगर वो बिल्डिंग वगैरह है तो आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो ठीक है तो तीन साल और अगर परचेज करना चाहते हो तो दो साल के अंदर अंदर परचेज़ कर देना ठीक है ना और इसके बदले जो है आप कोई अदर रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर लेना तो आपको जो है यहाँ पे अमाउंट एग्जम्प्ट uh, करवा दी जाएगी लेकिन यहाँ पे एग्जम्पन की लिमिट क्या होगी तो एग्जेम्पन की लिमिट के लिए यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ ऐड कर दी गई वो चीज़ है आपको जो है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जो प्रिस्क्राइब अमाउंट नहीं है यहाँ पर सिंपली आपको खुद को अमाउंट निकालना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग टर्म जितना भी गेन आया फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्ग टर्म गेन फिफ्टी लाख रुपीस का सेल करने से कमाया है ठीक है इनटू करना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस कोई न्यू हाउस आप परचेस कर रहे हैं इसके बदले मान लीजिए वो न्यू हाउस में फोर्टी लाख रुपीस परचेस कर डाल रहे हैं ठीक है या फिर मान लीजिए बधाई ज़्यादा ले लेते हैं फिफ्टी लाख रुपीज़ यहाँ पर आपके गेन है और न्यू हाउस आप परचेस करना चाहते हैं हंड्रेड लाख का ठीक है तो कितना आपको जो है इस पर एग्जाम्सन मिलेगा तो यहाँ पे सिंपली कहा गया कि आपने जो यहाँ पे नेट सेल करी है सेल यहाँ पे कितनी हो रही है तो सेल आपने मान लीजिए वो पुराना हाउस बेचा उससे फिफ्टी लाख रुपीस का गेन हुआ है मतलब कि वो टोटल सेल तो मान लीजिए नाइन्टी लाख रुपीस की हुई ठीक है नाइन्टी लाख रुपीस में फिफ्टी लाख रुपीस का आपका गेन था तो यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है तो फिफ्टी इंटू डिवाइड बाई नाइन्टी तो आपको एग्जम्पन कितनी मिलेगी आपको एक्जशन मिलेगी फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव लैख रुपीज़ की ठीक है फिफ्टी फाइव लेख रुपीज़ की आपको एग्जिम्पन मैक्सिमम मिलेगी उससे ज़्यादा नहीं सिंपली यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूले से आपको जो है एग्जम्पन लिमिट निकालनी पड़ेगी जैसे कि फिफ्टी फोर में तो वहाँ पे कहा गया कि टू करोड़ यहाँ पे लिमिट दे रखी थी कि कैपिटल गेन जो होता है वो टू करोड़ के अंदर अंदर है तो दो घर परचेज़ कर सकते लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर आपको फार्मूला दे रखा है उसके हिसाब से आपको खुद को निकालना पड़ेगा ठीक है सो यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है सारे सेक्शन ख़त्म ठीक है थैंक यू सो मच